सुशांत सिंह राजपूत केस में आज एक और जवाई विटनेस का बयान बाहर आया, उसके साथ ही एक और नई चीज़ का उन्होंने दावा किया है और वो ये है कि 13 की पार्टी क्या थी, कौन सी थी और कहाँ हुई थी। तो उन्होंने ये बताया, दरअसल बीजेपी के सेक्रेटरी हैं ये, जिनका नाम है विवेकानंद सिंह। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता का जन्मदिन था, जिसकी खुशी में मुंबई के होटल में पार्टी हुई थी। पार्टी के बारे में उस मंत्री ने बकायदा ट्वीट भी किया था। इस दावे को सिद्ध करने के लिए आई विटनेस भी है मेरे पास, CBI अगर हमें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो हम जरूर जाएंगे। तो ये जो है विवेकानंद सिंह ने दावा किया है कि 13 को एक पार्टी थी, एक बड़े होटल में पार्टी थी, 5-स्टार होटल में पार्टी थी, एक बड़े नेता का जन्मदिन है जिसमें सुशांत और रिया गए थे। ये उनके दावे हैं और उनका ये भी कहना है कि इसी पार्टी के बाद सुशांत ने रिया को उसके घर छोड़ा था। तो एक बार फिर से पार्टी की बात सामने आई है और महाराष्ट्र के बड़े नेता के पार्टी की बात सामने आई है। और अब जिस पार्टी के बारे में इतने समय से बातें की जा रही थी, तो उनका ये दावा है कि उस पार्टी का मेरे पास आई विटनेस भी है और उस मंत्री ने बकायदा ट्वीट भी किया है और इस दावे को सिद्ध करने के लिए आई विटनेस है, CBI अगर पूछताछ के लिए बुलाएगी तो हम जरूर जाएंगे। तो इस तरह का दावा विवेकानंद सिंह ने किया है, जो कि बीजेपी के सेक्रेटरी हैं। तो क्या इसी पार्टी में सुशांत रिया गए थे, क्या इसी पार्टी को लेकर जो है इतने समय से चर्चा हो रही थी, तो ये पार्टी वाकई में थी नहीं थी, किस होटल में थी, जिस तरह के दावे हो रहे हैं लगातार न्यूज़ में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। CBI की टीम जब यहाँ जांच के लिए आई तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ कि 13 को पार्टी थी, 8 को पार्टी थी, 9 को पार्टी थी, ये जो है पता करना आसान है। क्योंकि अगर विवेकानंद का दावा है कि उनके पास आई विटनेस है, तो इनको भी बुलाकर जो है पूछताछ की जा सकती है और वो उस आई विटनेस से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और CBI उनसे मिलकर जो है सारी डिटेल ले सकती है। तो एक बार फिर 13 के एक बड़े नेता की पार्टी का जिक्र हुआ है जिसमें रिया सुशांत गए थे, ऐसा विवेकानंद सिंह का दावा है।